بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله

इससे मरा नसारा सारा जो लोग अहले किताब हैं और जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं उनको इस्लाम की दावत कैसे दी जा सकती है तो सबसे पहली बात ये है कि दावत देने में जो चीज़ अहम किरदार अदा करती है वो है दाई का किरदार जो दावत देने वाला शख़्स है जो दावत दे रहा है उसका किरदार अच्छा होना चाहिए और वो अपने किरदार से भी दावत दे सकता है बसाओकत इंसान का बोलना इतना असर नहीं करता जितना उसका एक्शन असर करता है उसका अमल जिस कदर असर करता है बसाकात ज़बान में वो असर नहीं होता लोग देखते हैं परखते हैं जांचते हैं समझते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ को कबूल करने की कोशिश करते हैं आप देख लीजिए क़ुरान मजीद में अल्लाह आलमीन ने नबी करीम वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया सूर्यनस इसकी आयत नंबर सोलह है फरमाया क्या प्यारे रसूल सल अल्लाम आप कह दीजिए इनसे मतलू कम वही फ़कत लबी कुम उमरम कबली अफलातालोन फरमाया के अः प्यार रसूल सल्हुआ वल्लम आप कह दें अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम पर यह आयात तलावत ना करता ये अल्लाह का हुक्म है तो इसलिए ये क़ुरान की आयत में तुम्हें तलावत करके सुनाता हूँ तलावत करता हूँ वला अदरा कम बिही और ना ही मैं तुम्हें इसके बारे में बताता अगर अल्लाह चाहता तो मैं ऐसा ना करता फ़कद लबिस तुफ़ी कुम उमरमिन कबल ही अफलाता अकेलून और मैंने इससे पहले ये आयात सुनाने से पहले तुम्हें दावत देने से कबल तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजारी है एक वक्त गुज़ारा है चालीस साल मैं तुम्हारे साथ रहा मुश्किन मक्का को कहा तुम्हारी माँ बहन रहा मैंने कभी तुम्हें आयात नहीं सुनाई मैंने कभी इस चीज़ का दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह की तरफ़ से कोई पैगाम तुम्हें सुना रहा हूँ चालीस साल से कबल ऐसा नहीं किया और अगर अल्लाह ताली चाहता तो मैं ना सुनाता लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मफूस किया मेरी ये ज़िम्मेदारी और ड्यूटी लगाई और अब मैं तुम्हें ये कुरान की आयत रब्बुल आलमीन का पैगाम सुना रहा हूँ और फिर आखिरी अल्फाज पे गौर कीजिए फ़कद लबिस तो फी कुम उमर अमिन कबली ही मैंने उमर का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर गुजारा है तुम्हारे साथ रहा हूँ तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया मैंने कभी अमानत में खियानत नहीं की तुम अपने फ़ैसले मेरे पास लेकर आते थे देखिए आका सलाम की बेसर से पाँच साल कबल जब हजर असद का वह वाक़ पेश आया किबाइल आपस में लड़ने लगे झगड़ने लगे तो उन्होंने फैसला किससे करवाया मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर नबी अक्रम सल्ला वसलम ने उनके दरमियान फैसला किया और उस वक्त उन लोगों ने कहा कि यह सच्चा इंसान आ गया है और यह जो फैसला करेगा वह हमें मंजूर होगा अभी नबूवत नहीं मिली अभी तोहिद की दावत को आपने पेश नहीं किया लेकिन किरदार ऐसा उजला हुआ था ऐसा अच्छा किरदार था कि कोई आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता था तो दाई का किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए जो दावत देने वाला है वो अपने किरदार से दूसरों को मुतासर कर सकता है गैर मुस्लिम लोग उसके किरदार से मुतासर हों उन्हें ये पहचान हो वो जाने कि ये मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा ये मुसलमान बिजनेसमैन है ये ख़यानत नहीं करेगा ये नाप में जो तोल के दे रहा है उसमें कमी नहीं करेगा ये दगा नहीं देगा ये धोखा नहीं देगा ये चीज़ें ये दाई के अंदर मुसलमान के अंदर जो दूसरों को दावत देना चाहता है उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए और ये ज़रूरी हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कुरान की ज़बान में उनको फरमाया फ़क़र लबीक उम उमर अमिन कबली ही अफलाता इस ऐलान से पहले मैंने उमर तुम्हारे अंदर गुजारी है क्या तुम समझते नहीं हो मैं तुमसे कोई झूठी बात कर सकता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है आप तर करें गौर करें कि इस्लाम कैसे फैला इस्लाम मक्का की बस्ती से निकल कर मदीना हाशा और उसके बाद दिगर इलाकों में शाम उर्दन के इलाके और फिर पूरी दुनिया में फैल गया किस तरह से फैला था ये बिज़नेसमैन ये ताजर मुस्लिम ताजर ये इंडोनेशिया में आए मलेशिया में आए बर सग़ीर में गए दिगर ममालिक में गए लोगों ने इनकी दावत को कबूल किया इनके किरदार की वजह से सहाबा कराम ताब इन निज़ाम दावत का परचम लेकर पूरी दुनिया में चले गए लोग इनके किरदार से मुता हो गए कि मुसलमानों में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं ये किसी को धोखा नहीं देते ये लम नहीं करते ये झूठ नहीं बोलते ये सच्चे लोग हैं और अगर ये मामलात में सच्चे हैं तो ये रब का पैगाम पहुंचाने में भी सच्चे हैं तो सबसे बुनियादी चीज ये है मुझे ये टॉपिक दिया गया कि क्रिश्चियन को दावत इस्लाम कैसे दी जाए इसका तरीकाकार क्या है तो मैं अपने भाइयों से मुसलमानों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें अपने किरदार की सलाह करना होगी हम झूठ भी बोलते हैं हम धोखा भी देते हैं हम खयानत भी करते हैं हम करप्शन भी करते हैं हर फ्रॉड हमारे अंदर पाया जाता है नकली चीज़ें हम फरोख्त करने के लिए तैयार हैं हमारी प्रोडक्ट्स उन पर जो कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है वजह क्या है कि हमने इस्लामी असूलों को छोड़ दिया है तो ये तमाम ख़राबियां हमारे अंदर पाई जाती हैं और फिर याद रखिए गैर मुस्लिम हमारे इन करतूतों की वजह हम से हमसे दूर होते हैं और जब वो हमसे दूर होंगे तो उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं बैठेगी वो कहेंगे मुसलमान ऐसे हैं इसलिए दावत के लिए ज़रूरी है कि दाई का किरदार अच्छा हो वो अच्छे अखलाक का मालिक हो उसमें अच्छी सिफात पाई जाए वो झूठ बोलने वाला ना हो वो बुराई का इत्तेकाब करने वाला ना हो वो ज्यादती करने वाला ना हो वो दगा देने वाला ना हो लेकिन आज हालत ये है कि धोखा देने में फ़्राड करने में अहद शिकनी करने में कोई कंट्रैक्ट किया उसको तोड़ दिया कोई वादा किया उसकी पास ना की अमानत है खियानत करने में इसमें सबसे ज़्यादा आगे मुसलमान हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम के बारे में क्रैश के लोग आपको सादक और अमीन कहा करते थे एक लम्बा वाक़ है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क्रिश्चियन को दावत दी आप जानते हैं रोम का जो बादशाह था जिसको हिरकल कहा जाता था ये शाम का इलाक़ा है और वहाँ का जो बादशाह है हिरकल ये नसरानी था क्रिश्चियन था प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मोलत मिली जब सल्हुदैबिया के बाद मुश्किन के साथ मायदा तय पाया तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने दावत को आम किया दावत देना शुरू कर दी फिर बड़े बड़े जो सरदार थे बड़े बड़े जो बादशाह थे उनको भी खतूत लिखे चनाचे इस बादशाह को भी जो क्रिश्चन है इसको भी ख़त लिख डाला अब जब इसके पास वो लेटर पहुँचा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था अब्दुल्ल बिन अब्बास रजी अल्लाह तहुम बयान करते हैं कि अबू सफिया बिन हरब ने हमें ये बात बताई वो उस वक़्त मुसलमान ना हुए थे अबू सफियान रजी अल्लाह अनहु तो बयान करते हैं कहते हैं कि हम तजारत की गरज से वकानु तिजारन बिशामी फिलमुद्दतिल्लत कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद फीहा अबा सुफयान व कुफार कुरैश फातौहु व हुम बिइलिया कहने लगे कि हम ताजर थे और हम बैतुल मक़दस के करीब शाम में गए तजारत की गरज से तो हमें वहां पर जो रूम के बड़े बड़े बादशाह थे उन्होंने बुला लिया और अपना तर्जमान भी बुला लिया और फिर उसने हमें बुला कर ये कहाजुलज़ आम नबीन कि तुम में से कौन सा वो शख्स है तुम मक्का से आए हो कौन सा वो शख्स है जो नसब के अतबार से उस शख्स के ज़्यादा करीब है जो नबूत का दावा कर रहा है जो नबी होने का दावा कर रहा है अबोसुफियान बनो मैं से अलग रखते हैं और बनो हाशिम और बनो अमैया ये आपस में करीब हैं तो सबसे करीब अबू सुफियान थे रज़ील तो उनने कहा कि मैं क़ुरबत रखता हूँ नसब के अतबार से मैं उस शख्स के ज़्यादा करीब हूँ तो अब उसने तर्जमान को बुला लिया और जो अबू सुफियान के साथ दिगर लोग थे तो उनको अबू सफियान की पुश्त के पीछे खड़ा कर दिया और फिर कहा कि मैं इससे कुछ सवाल करने लगा हूँ फ़ इन का ज़बा नहीं फ़बू हो अगर इसने झूठ बोला तो तुम सब ने इसको जुटला देना है और अगर इसने सच कहा तो फिर तुमने इसकी तस्दीक करनी है तो जो सवाल किए उनमें से मैं इकतसार के साथ अर्ज़ करता हूँ सवाल क्या किया कई फ़नसब हुफ़ी को मैं कि उस शख़्स का तुम्हारे अंदर नसब कैसा है किस नस्ब से तल्लक है कुल तो हुआ फ़ी ना नसब तो सुफियान कहने लगे कि वो हमारे दरमियान बड़े अच्छे नसब से ताल्लुक रखता है बन हाशब से उसका ताल्लुक है और ये अच्छा नसब है बड़ा आला नसब है अब ये पहला सवाल था सुफियान कहते हैं कि मुझे अगर ये आर महसूस ना होती कि मेरे साथी भी जुटला देंगे तो मैं झूठ भी बोल सकता था लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला और जो सवाल किए तो उनके जवाब देते रहे फिर दूसरा सवाल किया कि ये बताओ फहल कान मिन आबाह मिन मलकन मलिकन कि क्या इसके अबा में कोई बादशाह था तो अबू सफियान कहते हैं मैंने कहा कुल तुला ऐसा भी नहीं है कहा कि ये बत ये बताओ कि अशराफुलनासी तब ऊन अम इसकी पैरवी करने वाले लोग जो हैं वो बड़े बड़े अजीम लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं तो कहते हैं कि मैंने जवाब दिया बल आफा हम कमज़ोर लोग हैं फिर पूछा कि आयीदून कसून क्या वो ज़्यादा हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो मैंने बताया कि वो ज़्यादा हो रहे हैं फिर पूछा कि ये बताओ हल फहल हल यर तद यद्द आहदुमिन हम सख्त तन लदीन ही बी खुलफ़ी कि इस दिन में दाखिल होने के बाद कोई मर्तद भी हुआ है तो मैंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है इसके बाद जो सवाल किया इसको सुनिए फहल कुन तुम तत्ता ही मोन हो बिलकब कबलाइंकूल सवाल ये किया उसने हिरकल ने कि ये बताओ कि क्या इस दावे से पहले कभी उसने झूठ बोला है अभी वो नबूवत का दावा कर रहा है इससे पहले कभी उसने झूठ बोला है तुम उसके साथ रहे हो आपके कबीले से करीबी तल्लक़ है उनका तो ये बताओ कि क्या इससे पहले कभी उसने झूठ बोला है तो अबूसफिया कहते हैं मैंने कहा नहीं गैर मुस्लिम हैं लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल झूठे नहीं हैं उनने झूठ नहीं बोला ये किरदार होना चाहिए दाई का कि अपने तो अपने गैर भी इस किरदार को इसकी गवाही दें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये शख्स झूठा नहीं और फिर दूसरा सवाल क्या पूछा फहल यकदरू क्या वो धोखा देते हैं कुल तुला मैंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है और फिर उसके बाद कहा कि एक दिन ऐसा आएगा हरेकल ने कहा कि वो इस जगह पर भी आ जाएंगे और इस जगह के भी वो मालिक बन जाएंगे खैर ये लंबा खत है लंब, लंबी हदीस है और उसके बाद किताल के बारे में पूछा कि तुम्हारे दरमियान जो जंगी होती हैं वो कैसी होती हैं और फिर आ, उसके बाद वो उसने बताया कि ये सवाल जो मैंने किए हैं इसलिए किए हैं कि अगर वो अच्छे नसब वाले हैं तो इसी तरह अल्लाह ताला अच्छे नसब में रसूल भेजते हैं और फिर ये कहा कि अगर वो आम गुफ्तगू में उनने कभी झूठ बोला तो अल्लाह के बारे में वो झूठ नहीं बोल सकते और अगर कभी धोखा उनने नहीं दिया तो वो अल्लाह के बारे में भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकते और फिर उसने ये बड़ा अच्छा मैसेज uh, दिया अपने लोगों को कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो लेकिन वहाँ पर शोर वुल हो गया और उसके बाद आ, उसने कहा कि मैं तो तुम्हें आज़माने के लिए कर रहा था खैर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेटर लिखा था उसको पढ़ा गया कि उसमें क्या लिखा है तो वो पढ़ कर सुनाया कि उसमें ये लिखा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ल्स बिन महमदिन अबिल्ल व रसूलिही इला अला अजीम रोम के मोहम्मद जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं उनकी तरफ़ से ये ख़त हरेक़ल की तरफ़ लिखा जा रहा है जो रूम का बादशाह है सलामुदा सलामती हो उसके लिए जो हदायत की पैरवी करता है अम्माबाद अल्लाह के रसूल ने खत लिखा था तो इससे ये साबित होता है कि दावत ग़ैर मुस्लिम को भी देनी चाहिए अल्लाह के रसूल दाई थे नबी भी थे आपने दावत देने का क्या उसलूब इख्तियार किया दूर है रूम का इलाका लेकिन उसको लेटर लिख वहाँ तक दावत पहुँचा दी मुसलमानों को भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए जो क्रिश्चियन हैं उनको दावत देनी चाहिए जो आपके साथ रहते हैं उनको भी दावत दें जो आपसे दूर हैं उनको किताब का गिफ्ट दे दें तोहफा दे दें दे, उन तक लेटर लिख कर दावत को पहुँचाएँ उन तक यह हमारी ज़िम्मेदारी है कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरजतिननास लोगों के लिए निकाले गए हो तमरून अबिलूफ़ वतन हवनाकर तुमने लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने जो ख़त लिखा तो उसमें कुरान मजीद की एक आयत भी लिखी वो आयत क्या थी या अहले किताब इला मैं किताब आ जाओ उस कलिमे की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है तो यहाँ से हमें यह समझ आ रही है कि क्रिश्चन को दावत कैसे देनी उनको दावत इस्लाम कैसे आप उन तक पहुँचाएँगे सबसे पहली चीज़ क्या है कि किरदार अच्छा हो दाई का दाई दावत देने वाला तमाम मुसलमानों का किरदार अच्छा होना चाहिए लेकिन खूस उस दाई का किरदार अच्छा हो वो झूठ बोलने वाला ना हो वो ख्यात करने वाला ना हो वो धोखा देने वाला ना हो मुसलमानों के साथ भी और गैर मुस्लिम लोगों के साथ भी उसके ताल्लुक इस कदर अच्छे हों मामला इस कदर अच्छे हों कि वो मामला में फेर हो साफ हो तो उसकी दावत असर करेगी इसी पॉइंट पर एक और रवायत बुखारी से, से ही नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को दावत दी तो क्या कहा था फुरमैया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो मक्का पर चढ़ाई कर देगा क्या तुम मेरी बात को मानोगे तस्दीक करोगे तो सब ने कहा हम मानेंगे तस्दीक करेंगे क्योंकि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा आप झूठ नहीं बोलते ये किरदार है ऐसा किरदार पेश करने की जरूरत है जब आप ऐसा किरदार पेश करेंगे तो फिर आपका एक्शन भी दावत बन जाएगा आपकी जबान से बोले हुए अल्फाज वो भी असर करेंगे लेकिन अगर आप करप्ट हैं आप खयानत करते हैं आप धोखा देते हैं तो आप किस मुँह से सच्चे इस्लाम की जिसमें झूठ बोलना हराम है जिसमें धोखा देना जायज़ नहीं है जिसमें खयानत करना दुरुस्त नहीं है अगर आप खुद इस तरह से करते हैं तो फिर एक सच्चे दीन की दावत कैसे दे सकेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने इस बादशाह को जो ख़त लिखा सुरय आल इमरान की आयत नंबर सिक्सटी फ़ोर लिखी उसमें उसलूब है दावत देने का कैसे दावत देनी इनको कि अहल किताब उन मुश्तरक की तरफ उनको बुलाना है कि तुम भी अहल किताब हो हम भी अहले किताब हैं अहल क़ुरान हैं किताब तुम्हारे पास भी आई आसमान से आई मूसा सलाम पर तो रात और ईसा पर इन इंजील नाज़िल हुई तो हमारे प्यारे रसूल नबी अक्रम सल्ला वसलम की तरफ भी किताब उतरी जो किताब जिसमें कोई शक नहीं है ला रही बफ़ी ही इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है तुम्हारी किताब में तहरीफ हो चुकी है तुम्हारी किताब में तब्दीलियाँ आ चुकी हैं तुम्हारी किताब वो ईसा सलाम की लिखी हुई नहीं है लेकिन जो हमारे पास किताब मौजूद है वो किताब अल्लाह की तरफ़ से प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम की तरफ भेजेगी जिस तरह वही नाजिल होती थी सलाम पर इसी तरह वही नाजिल हुई हमारे प्यारे रसूल नबी अक्रम सला वल्म पर जिस तरह फरिश्त जबरील आलाम मूसा और ईसी की तरफ़ आया करते थे इसी तरह ये फरिश्त जबरील वही लेकर कुरान सूरत में प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था तुम्हारी तरफ भी तुम्हारे अम्बिया जिन पर ईमान लाना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के पैगम्बर हैं अल्लाह के रसूल हैं हम उन पर ईमान लाते हैं उनकी तस्दीक करते हैं अगर हम उन पर ईमान ना लाएँ तो हमारा ईमान ही कम्प्लीट नहीं होता हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं इज्जत भी करते हैं और हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि ईसी आई पैगम्बर हैं नबी हैं उनकी नबूत को मानना उनकी रसालत को मानना कि वो एक ख़ास वक़्त के लिए अपनी कौम की तरफ बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे ये हमारे ईमान का हिस्सा यह दावत देने का अंदाज हो जो मुश्तर हैं उनको बयान किया जाए कि अहल किताब गौर करो या किताब इला आओ उस की तरफ जो तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान बराबर है वो क्या है अल्लाह अबूदा अल्लाह क्योंकि तमाम अबिया की दावत यही थी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी अल्लाह ना अबूदा अल्लाह ही की इबादत करनी है पहला पॉइंट कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और यह चीज मुश्तरक है अहले किताब के दरमियान और हमारे दरमियान मूसा की यही दावत ईसाई स्लाम की यही दावत थी वाली शैया और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं करना दो चीजें वाला अरबाब बिंदू और हम में से कोई भी हमारे बाज बाज को रब नहीं बनाएंगे अल्लाह के अलावा कि जो ये हलाल कर दें उसको हलाल समझा जाए जो ये हराम कर दें उसको हराम समझा जाए ये तो रब बना लिया तो रब वो अकेला अल्लाह है उसी का हुक्म चलेगा उसी के हलाल करदा चीज़ को हलाल समझा जाएगा उसने जिसको हराम कर दिया वो हराम है और उसी एक की इबादत की जाएगी उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा ये दावत देने का अंदाज़ है जो कुरान हमें बताता है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत को पेश किया तो ये लेटर लिखते हुए उसमें ये आयत लिखी फिर फिर मैं तवल फ़क़ोल शहदुबन्ना मुस्लिमून और अगर वो आपकी बात फिर भी ना माने तो फिर बता दो कि हम तो मुसलमान हैं हम मोती और फर्माबरदार हैं हम रब की बात को मानने वाले हैं एक्सेप्ट करने वाले और फिर इस तरह की चीजें तहरीफ के बावजूद इन झील में बाइबल में भी मौजूद हैं। क्रिश्चियन को आप ये कह सकते हैं कि आपकी किताब जो आपके पास मौजूद है बाइबल उसमें भी ये चीज मौजूद है ये देखिए छोटी सी किताब जो पॉकेट में आ जाती है न्यू टेस्टमेंट तो ये भी मैं अपने साथ लाया हूँ और इसमें से ये चीज़ें मैंने नोट की इसका एक चैप्टर है जिसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं मत्ती और मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में उसका जो बाब है छः है और जो फ़िक्र है जिसको हम आयत इंग्लिश में वो कह सकते हैं लेकिन इस फिक्रे का नंबर दस है चैप्टर सिक्स जो सेंटेंस है वो क्या है दस टेन उसमें ईसी सलाम ने भी उनसे ये कहा था दिन जिस इज सेट टू हिम और उन्होंने कहा कि ये लिखा हुआ यू शेल वर्शिप द लॉड यू आर गॉड एंड हिम ऑनली शल यू सर्फ कि तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ उसी खदावंद खदावंद खुदा उसकी इबादत करो और सिर्फ उसी को सजदा करो अब ये तोहद की दावत तहरीफ होने के बावजूद भी उनकी किताब में ये मौजूद है और कुरान मजीद भी यही कहता है कि तमाम अम्बिया की दावत यही थी और फिर ईसी सलाम ने यह भी कहा अल्लाह कहाब्लामीन के बारे में कि यू आर किंगडम कम यू आर विल बी डन ऑन अर्थ एज़ इट इज़ इन ही जो पहले मैंने आपको बताया वो मत्ती में यानी मैथ्यू में चैप्टर फ़ोर और आयत उसका फिक्र जो है वो दस नंबर था और ये वाला चैप्टर छः मैथ्यू और इसका फिक्र जो है वो टेन नंबर है तो इसमें भी क्या कहा कि तेरी बादशाही है और तेरी ही मर्जी चलती है यू आर विल बी डन तेरी ही मर्जी चलती है ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हीवन जैसे आसमानों पर ऐसे ही ज़मीन पर सिर्फ तेरी ही मर्जी चलती है। तो अब ये चीज़ें हैं कि जो तारीफ के बावजूद उनकी किताबों में मौजूद हैं तब तो इसको मानना चाहिए एक्सेप्ट करना चाहिए तो तोहद की दावत ये मुश्तरका है लेकिन क्रिश्चियन ने नेसाइयों ने इस तहीद को छोड़ दिया तर्क कर दिया और फिर सलाम को ये कहा कि वो अल्लाह के बेटे अब ये बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह रब्लमीन जिसकी कोई औलाद नहीं है उसके बारे में ये कह देना कि नाउजबिल्ला ईसा आई सलाम व अल्लाह के बेटे हैं हालांकि इनकी किताबों में झील में भी ईसी आलाम के बारे में इब्ने आदम लिखा गया है किसी जगह पर लिखा गया है कि आदमज़ाद हैं किसी जगह पर लिखा गया है कि इब्ने आदम है और जब इनका नसब लिखते हैं तो लिखते हैं इबन यूसफ़ यूसफ़ के बेटे हैं नाउजुबिल्ला हम तो ये कहते हैं कि वो बगैर वालद के पैदा हुए लेकिन इन ने में लिखा कि इबन यूसफ़ और फिर आप देखें कि ये किताब अमूमन तकसीम की जाती है और इधर हांगकॉन्ग में हमारे मदारस के सामने ये किताब तकसीम हुई नाम क्या है इन जीले मुक़दस जो यूहन् रसूल की मार्फत लिखी गई अब क्रिश्चियन जो लोग हैं या जो इनके स्पीचर हैं दावत देने वाले हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं मदरसों के सामने जुमे के दिन जाकर इस किताब को दिया और उर्दू ज़ुबान में और फिर इसके अंदर एक छोटा सा और लीफलेट भी दिया उस पे ये लिखा हुआ है कि जिस जबान में आप पढ़ना चाहें तो आपको ये किताब इंटरनेट से मिल सकती है तो खैर उर्दू में ये किताब इन्होंने दी और एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया कहने लगे कि इस तरह से हमारे मदरसे के सामने किताब तकसीम हुई है और सब को गई है इन जीले मुक़दस के नाम से तो मैंने भी ले ली है तो मैं तो इसको पढ़ना नहीं चाहता तो क्या कर मैंने कहा मुझे दे दो मैं इसको पढ़ लेता हूँ खैर उसने दी तो मैंने इस किताब को पढ़ा अब जो किताब इन तकसीम की शाया करने वाले भी यही हैं और इनकी जो आर्गनाइजेशन है वो तकसीम कर रही है तो उसमें आप देखें कि ये ईसी आलम के मतलब किसी जगह पर लिखते हैं कि अल्लाह का बेटा है और किसी जगह पर यहां पर यह लिखा हुआ है कि वो इबन आदम है आदम के बेटे हैं और किसी जगह पर लिखा हुआ है कि आदमजाद हैं अब आपका जो दावा है कि अल्लाह के बेटे हैं आपकी किताब ही उसकी तायद नहीं करती या तो कह दीजिए कि यह तहरीफ शुदा है इसमें गलत लिखा हुआ है या फिर जो आप कह रहे हैं वो गलत है हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं अल्लाह की औलाद नहीं है कुरान मजीद में सूर्य मरियम में इसकी आयत नंबर तीस में सलाम ने सबसे पहले जो कलाम की तो वो कलाम क्या थी जब मरियम अलीसम को ये कहा गया या उख्ता हारून ए हारून की बहन आप तो ऐसी नहीं थी आप बच्चे को ले आई हैं ये बच्चा कहाँ से आ गया आप तो कंवारी हैं आपने बच्चा ले आई बच्चा पैदा कर दिया तो उन्होंने इशारा किया कि इसका जवाब यही मेरा बेटा देगा उन्होंने कहा यह कैसे बात कर सकता है ये तो छोटा बच्चा है अल्लाह रब ने रबीन नेसीम को जबान अता की बोलने की सकत अता की और ईसा आई सलाम ने क्या कहा कुरान मजीद के ये अल्फाज हैं सुरह मरियम आयत नंबर तीस है कौला आतानी नबी ईसा का इज़्ज़त और जितना मुसलमान करते हैं क्रिश्चन भी नहीं करते आप तो उनको कभी कहते इब्ने यूसफ हैं कभी कहते अल्लाह के बेटे हैं बिल्लाह कुरान मजीद ने यह बताया कि वो कलिमतुल्लाह हैं और फिर यहां पर मैं इन्नी मैं अल्लाह का बंदा हूं अल्लाह ताला ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और फिर यह इतना बड़ा जुर्म है जो ये लोग कर रहे हैं कि ईसा आल के बारे में ये कह देना कि वो अल्लाह के बेटे हैं मैं पहले कुर मजीद की वायत पेश करता हूँ कि ये कितना बड़ा जुर्म है ताकि हम भी समझ लें कि ईसा आलाम के बारे में मुसलमानों का कंसेप्ट क्या और फिर मैं आपको इस किताब से दिखाऊँगा कि जहाँ पर उनको इबन आदम और आदमजात कहा गया है और फिर ऐसा भी कहा गया कि जो भी बात मानने वाले हैं वो फरजंद खुदा हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्लम ने इशाद फरमाया सूर मरियम की आयत नंबर एटी एट से लेकर नाइन्टी थ्री तक है और वा, मैं वाला कि वो कहते हैं कि रहमान की औलाद है जी तुम शैन इद्दा ये तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो बहुत बुरी बात कर रहे हो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती कि तुमने ये दावा कर दिया कि रहमान की औलाद है तक उसमा तु य नमिन हो वतन शक्र्जिबालहदा तुम्हारी बात इतनी बुरी है कि करीब है कि आसमान फट जाए जमीन शक हो जाए और पहाड़ फट पड़े रेजा रेजा हो जाए टूट जाए इतनी बड़ी बात और इतनी बुरी बात तुमने कह दी कि रहमान की औलाद है अंदाउल रहमानी वलादा। तुम कहते हो रहमान की औलाद है उसका बच्चा है वाला अल्लाह हैं रहमान की कोई औलाद नहीं है आतमान जमीन व आसमान में जितनी भी मखलूकत हैं वह अल्लाह के गुलाम है रहमान के गुलाम हैं यह हमारा कंसेप्ट है कितना सच्चा और सच्चा दीन है दीन इस्लाम कि अल्लाह की औलाद नहीं अल्लाह का बेटा नहीं है लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि ईसी आल्लाम नाऊज बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं और फिर आप ये भी याद रखिए कि ईसा आई सलाम ने कभी ये नहीं कहा इनकी किताबों में भी ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं खुदा हूँ और तुम मेरी इबादत करो कोई भी नहीं मिलेगा जब ईसा इस ईसीम की भी ये दावत नहीं है तो तुमने ये ख़ुद से दीन में तहरीफ करके तब्दीलियाँ करके ईसा इस ईसीम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया और फिर उनको खुदा का हिस्सा करार दे दिया तसलीस वालीदा अपना कर और उनको खुदा का हिस्सा नाउजिल्ला समझ के और फिर उनकी इबादत करना शुरू कर दी अब देखिए ये यूहन्ना की इंजील है इसके शुरू में ये लिखा हुआ है ये इसका बाब नंबर एक है तो उसमें ये लिखते हैं लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा यानी ईसा अली के बारे में लिखते हैं कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा यानी जितनों ने इसको कबूल कर लिया वो क्या बन गए सब के सब खुदा के फ़र्ज तो फिर तुम तो नाउज़ुबिल्ला सिर्फ़ सलाम को नहीं बल्कि इसके मुताबिक जितने उनके फॉलोअर थे उनको मानने वाले थे उन सब को तुमने खुदा का बेटा करार दे दिया और फिर इसी किताब के अगले पेज पर इसका बाब नंबर एक ही है और उसकी आ, जो इनका फिक्रा है वो नंबर है चौंतीस उसमें लिखते हैं कि यह खुदा का बेटा है अब यह तनाकज़ आ गया ये किताब तुमने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दी ये किताब तुम लोग तकसीम कर रहे हो इसमें यह कुछ लिखा है और फिर तुम्हारे ही इस बात की नफ़ी इसी बाब में इसकी आयत नंबर इसकी जो आयत इसको कह लें या फ़िक्र कह लें या सेंटेंस कह लें उस आयत नंबर छतालीस में फोर्टी सिक्स में यह लिखा हुआ है कि वो यूसुफ का बेटा यसु नासरी है वो यूसुफ का बेटा अब बताओ कभी तुम कहते हो अल्लाह का बेटा कभी कहते हो यूसुफ का बेटा नाउज मिल्ला तुम दोनों बातों में झूठे हो और यह तुमने तारीफ करके तब्दीली करके हम तो ये कहते हैं कि ये वो इंजील है ही नहीं जो ईसा आल्लाम पर नाजिल हुई उसके कहीं अरसे के बाद इसको मरतब किया गया और फिर ये तर्जुमा दर तर्जमा चल रहा है कोई उर्दू में कोई अरबी में कोई इंग्लिश में जो इसकी असली ज़बान थी उस जबान में मौजूद ही नहीं है या अगर मौजूद भी है तो वो भी औरिजनल नहीं है और क़ुरान हमारे बच्चों को भी अरबी में पढ़ना आता है लेकिन तुम लोग अपनी औरिजनल जबान में भी इसको नहीं पढ़ सकते और यहाँ पर क्या लिखते हैं कि वो यूसुफ़ का बेटा यसु नासरी है यूसुफ़ का बेटा नाउज़ुबिल्ल और फिर आगे देखिए इसी की इसी बाप की जो इनका फिक्रा है फिक्रा नंबर फिफ्टी वन उसमें लिखते हैं कि फिर उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम आसमान को खुला और खुदा के फ़रिश्तों को ऊपर जाते और इबन आदम पर उतरते देखोगे अब ईसा आई इस्लाम का ये कॉल यहाँ पर इन्होंने नक़ल किया कि वो कहने लगे उससे पूरा ये एक वाक़ है तो फिलिप से कहा कि तुम्हें मैंने कहा था यसू ने जवाब दिया कि मैं उससे कहा कि मैंने जो तुझसे कहा है तुझको इंजीर के दरख्त के नीचे देखा क्या तू इसी लिए ईमान लाया है तू इन से इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा आगे क्या लिखते हैं फिर उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इबन आदम पर उतरते देखोगे। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि ईसा आल सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे उनके पास वही आती थे खुदा के फरिश्ते उन पर उतरते थे वो इबन आदम थे वो अल्लाह के बेटे नहीं थे आदम की नस्ल में से इंसान थे बशर थे। और अब ये किताब आपकी किताब है आपने इसको तकसीम किया और इसको आप इधर तकसीम करते हैं मुसलमान कम्युनिटी में और जब मुसलमान जमा होते हैं वहाँ पर जाकर आप देते हैं आप बताइए जो आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं या जो किताब आप दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वो आदम के बेटे हैं ये बात मान लें या आपके मुँह की बात को मान लें तो ये चीज़ें दलालत करती हैं कि इनके पास औरिजिनल चीज़ नहीं है ये तहरीफ शुदा और तब्दील शुदा चीज़ें हैं और फिर सिर्फ़ ये समझना कि चूँकि सलाम बिन बाप के पैदा हुए तो इसलिए उनको अल्लाह का बेटा करार दे दिया जाए नाऊज़ुबिल्ला मजीद में अल्लाह आलमीन ने सूरह आले इमरान इसकी आयत नंबर फ़िफ्टी नाइन में इरशाद फ़रमाया मीसा इन कल आदम खल मिन तरा बिनसम्मन ये कोई ताज्जुब की बात है ईसा आई सलाम को अल्लाह ताला ने कलीमा से पैदा कर दिया बगैर बाप के उनको पैदा कर दिया इस पर तुम तोजब करते हो ये कोई तोजब की बात नहीं है तुम देखो आदम सलाम की तख्लीक पर गौर करो आदम को अल्लाह ताली ने मिट्टी से बनाया और फिर कौन कहा आदम सलाम बन गए बगैर बाप और बगैर माँ के बना दिया अल्लाह ताल तो हर चीज़ पर क़ादर है कुदरत रखने वाला है तो ये खालिश और सच्चा दीन इस्लाम का पैगाम आप उनको इस तरह से पहुंचा सकते हैं कि जो पैगाम आप हमें दे रहे हैं ना आपकी किताबें इस चीज की तस्दीक कर रही हैं और ना ही आपकी बात इसकी तस्दीक करती है आप कहते हैं अल्लाह का बेटा है और आपकी किताबों में जगहों पर लिखा हुआ कि यूसुफ सलाम के बेटे थे यूसुफ के बेटे थे इस, और बाद जगहों पर लिखा हुआ है कि वो आदम है हैं असल में ये बोला जाता हुआ होगा शायद तो उन्होंने इससे अल्लाह का बेटा उनको बना दिया और इसी तरह इसी किताब में सलाम के बारे में ये भी लिखा हुआ है ये इंजील यूहन्ना है और इसका बाप पाँच है और इसका फिक्रा है ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदमजाद है ईसी इस आल्लाम के बारे में लिखा कि वो क्या हैं आदमजात हैं तो जब वो आदमजाद हैं तो फिर जो कुरान का दर्श है वही दुरुस्त है कि ईसा इस आलाम अल्लाह के बंदे अल्लाह के रसूल और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक पेशर और इंसान थे तो उनको अल्लाह का बेटा कहना ये भी दुरुस्त नहीं है तो ये इस तरह की चीज़ों से आप क्रिश्चियन को दावत दे सकते हैं तीसरा पॉइंट सलाम को नबी सल्लम के बारे में ईसा सलाम ने बशारत दी है अब क्रिश्चियन को ये पता था कि एक नबी आने वाले हैं ईसाइयों को ये इलम था कि एक नबी आने वाले हैं जिनकी पैरवी में निजात है और जिनकी पैरवी करने में कामयाबी है क्योंकि इसकी بشارت ईसा अलैहि सलाम दे चुके थे वो कुरान-ए-मजीद में मौजूद है और कुरान-ए-मजीद एक सच्ची किताब है इसकी आयत नंबर इसकी सूरत सूरतुल सफ और इसकी आयत नंबर छः है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व इज قال عيسى मरियम مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدق لما بین یدی یمن हद अब यह देखें ईसा इस्लाम ने क्या फरमाया फरमाया अल्लाह ताली फरमाते हैं कि जब ईसा बिन मरियम ने बनी इसराइल से कहा इन्नी रसूल इलैकुम कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है तुम्हारी तरफ़ मुसद बई न यदयम न तवरा जो कुछ तौरात में है मैं उसकी भी तस्दीक करने वाला हूँ व मुबशिरन बिरसूल रसूलिंग मिन बाद इस्मुहू अहमद और मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम क्या होगा उसका नाम अहमद होगा अब इतनी वाज ये बात है कि इसको मान लेना चाहिए तस्लीम कर लेना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईसा सलाम का ये कौन नकल कर दिया कि उन्होंने अपने मानने वालों को ये बताया था कि मैं तुम्हें खुशखबरी देकर जा रहा हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं एक पैगम्बर आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा और तुमने उनकी बात माननी है और इसी में तुम्हारी कामयाबी है कुरान मजीद से दलील मिल गई अब यही बात इनकी किताबों में भी लिखी हुई है बाइबल में भी यह चीज लिखी हुई है कि मेरे बाद एक हेल्पर एक मददगार आएगा जो तुम्हें वो बातें बताएगा जो मैं तुम्हें आज नहीं बता सकता और मेरी तस्दीक भी करेगा यही किताब जो तकसीम की जाती है इंजील युहन्ना इंजील मुकदस युहन्ना रसूल की मार्फत तो इसका पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर थर्टी टू है और अगर जीले यूहन्ना में आप इसका बाब देखेंगे तो बाब नंबर चौदह है और इसकी अगर वो फिक्रा नंबर आप देखेंगे तो फिक्रा नंबर पंद्रह और सोलह है ये मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ क्रिश्चन भाइयों को भी गौर करना चाहिए देखना चाहिए क्या लिखा कि अगर तुम मुझसे महब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों परमल करोगे ईसा सलाम ने क्या कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा वो क्या करेगा वो दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा तो यहाँ पर ये यह लिखा हुआ है कि एक दूसरा मददगार अल्लाह ताला ता 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 तुम्हें बख्शेगा जिसकी बात को तुमने मानना है और कुदस यानी जबरील सलाम के ज़रिए उसकी तायद होगी उसके पास वही आएगी अब ईसा आल्लाम के बाद जो पैगम्बर आने वाले हैं वो कौन हैं महमद अलैहि वसल्लम तो तहरीफ के बावजूद तब्दीली के बावजूद आज भी आपके किताब में ये मौजूद है कि ईसा इस्लाम ने कहा कि मेरे बाद एक दूसरा मददगार आएगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और आगे देखिए इसी बाप यानी इंजील युहना इसका बाब नंबर चौदह और इसकी जो वर्स कह लें या फ़िक्र कह लें सेन्टेंस कह लें उसका नंबर पच्चीस और छब्बीस है उसमें लिखा हुआ है कि लेकिन मददगार यानी रूहलकुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और हमारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम वो ईसा सलाम की तस्दीक करने वाले क़ुरान मजीद में हमें अल्लाह आलमीन ने ये बताया कि जितने भी रसूल हैं उन सब पर ईमान लाना मोमिन के लिए ज़रूरी है फरमाया तो कि वो वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा जो कुछ ईसा आल्लाम ने कहा वो भी तुम्हें याद दिलाएगा मैं तुम्हें इतमान दिए जाता हूँ अपना इतमान तुम्हें देता हूँ जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे तो इसी तरह इसी बाब में बाब नंबर चौदह और इसका पेज नंबर थर्टी थ्री है तो इसमें आगे तीस नंबर जो इनका फ़िक्र है उसमें लिखा है कि उसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा ईसा आई सलाम का ये कौल नकल किया गया क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने के मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसे ही करता हूँ तो ये आप देखें कि दुनिया का एक सरदार आता है तो ईसीम के बाद जो दुनिया के लिए रहबर और रहन आए सरदार आए वो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर इसी किताब इंजील युहन्ना इसका बाब नंबर पंद्रह वहाँ पर भी ये अल्फाज हैं आयत इसके वर्स कह लें या सेंटेंस कह लें वो छब्बीस नंबर है लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ़ से भेजूँगा यानी रूह हक जो बाप से शादर होता है तो वह मेरी गवाही देगा तो नबी करीम जब आए तो उन्होंने ईसा आई सलाम के बारे में ये गवाही दी और ये मौजूद है कि ईसा सलाम सच्चे और पक्के नबी हैं और आप को अल्लाह रब्लमी ने आसमानों पर उठा लिया और फिर आप आगे देखें कि इसमें पंद्रह नंबर बाब में सोलह नंबर बाब में इसका सेंटेंस नंबर सेवन है उसमें लिखा है लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर मैं ना जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा अगर तो मैं नहीं जाऊँगा तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा और फिर इसी बाब नंबर सोलह और इसकी जो सेंटेंस है उसका नंबर है तेरह उसमें लिखा है कि लेकिन जब वो यानी रूह हक़ आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा तो ये तमाम निशानियां हैं कि ईसा इस्लाम के बाद जो पैगंबर आए नबी करीम अलैहि वसल्लम तो ये आपकी किताब में मौजूद है कि वो रूए हक आएगा तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा वो अपनी तरफ़ से नहीं कहता क्योंकि क़ुरान मजीद भी इस चीज़ की गवाही देता है कि नबी करीम अपनी तरफ से नहीं कहते हवा इन विकानवा वाह यू अल्लाह की तरफ से वही का नजूल होता है और फिर उसके ज़रिए नबी करीम सल्ला आगे दीन के बारे में बात करते हैं लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा अपनी तरफ से नहीं कहेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा यानी क्यामत तक के मामलत की खबरें वो रसूल और पैगम्बर तुम्हें देंगे और इससे मराद कौन है इससे मराद नबी आखर जमान प्यारे रसूल नबी अक्रम सम हैं तो अब ये देख लीजिए कि ईसा आल्लाम ने नबी अक्रम सल्लम के बारे में बशारत दी कुर मजीद में मौजूद है और आपकी किताबों में तहरीफ के बावजूद उसमें मौजूद है तो वही सच्चा और पक्का फुरमे और मती हो सकता है कि जो ईसा सलाम की इस बशारत को मान ले और तस्लीम करके नबी अकरम अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए चौथा पॉइंट इसके बाद आप ये उनसे कह सकते है कि हैं कि क्रिश्चियन लोग सलीब को मुकदस समझते हैं सलीब को मुक़दस समझते क्यों कि वो ये समझते हैं कि सलाम को नाऊजबिल्ला सूली चढ़ा दिया गया था अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है और झूठ है कि ईसा सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं और जिनके बारे में तुम ये कहते हो कि वो अल्लाह के बेटे हैं और जिनको तुमने खुदा की खुदाई में शरीक कर रखा है तुम्हारा यह अकीदा है कि बाप बेटा और रूह के तीनों मिलकर तो वो गार्ड बनते हैं तो उनको सोली पे चढ़ा दिया गया यहूदी उनको तकलीफ देते रहे नाउदिल्ला उनको बुरा भला कहते रहे और वो गार्ड होकर अपनी हिफाजत ना कर सके किस तरह का कंसेप्ट है तुम्हारा उधर से तुम अल्लाह का बेटा कह रहे हो और उनको गार्ड कह रहे हो कि जो पावरफुल होता है ताकत वाला होता है जो पूरी कायनात के निजाम को चलाने वाला है जो किसी का मोहताज नहीं होता उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है और तुम ये कहते हो कि उनको नाजमिल्ला सूली पर चढ़ा दिया गया यहूदियों ने उनके साथ ऐसा किया कुरान मजीद इसकी नफ़ी करता है तुम हकीकत में ईसा इस्लाम के भी गुस्ताख हो उनकी भी गुस्ताखी करते उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया कुरान मजीद में अल्लाह रब्लम ने अर्षात फरमाया सूरत इसकी आयत नंबर वन फिफ्टी सेवन से वन फ़िफ्टी नाइन तक मसीह ईसा न मरियम रसूल अल्लाह और वो कहते हैं कि हमने ईसा बिन मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं उनको कत्ल कर दिया है वमा कतलू वमा सलबू ये सच्ची किताब है कुरान मजीद है फरमाया तुम्हें शक है इसके बारे में तुम्हारे कुछ फिर के कहते हैं सूली पे चढ़ा दिया गया कुछ कहते हैं नहीं बच गए कुरान मजीद को कबूल कर लो दीन हक़ हाँ को इख्तियार कर लो कुरान ने बिल्कुल वाज मौक़ दे दिया ईसा आई सलाम के बारे में कि वो अल्लाह के पैगम्बर हैं अल्लाह के रसूल हैं कलीमतल्ला से उनकी पैदाइश हुई और फिर फरमाया कि उनको किसी ने कत्ल नहीं किया वमा कतलु हो यहूदी भी झूठ बोलते हैं तुम भी झूठ बोल हो वमा सलाबू हो और उनको सूली पर नहीं चढ़ाया वला किन शुभ हलाम लेकिन उनके मुशाबे कर दिया गया और फिर, फिर शक मिन जो लोग इस बारे में इख्त करते हैं वो शक में मुबतला है भी ही मिन इल्मिन। उनके पास कोई इलम नहीं हैिबा अजन वो तो अपने ख्याल की पैरवी करते हैं वमा कतलूहू यकीना और उन्हें यकीन कतल नहीं किया गया बल्कि क्या हुआ बरफ़ाला बल्कि अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया आसमानों पर उठा लिया वक़ानल्ला अजीज़न हकीमा और अल्लाह और हमत वाला यही साल इस्लाम के बारे में मुसलमानों का अकैदा है व इमिन अहल किताबी नबी ही कबल मऊती ही व यम़ियामत यकून आल शहीदा और फरमाया कि उनकी मौत से कबल तमाम खदमा माले किताब उन पर ईमान ले आएंगे यानी जब इस्लाम का दोबारा नजूल होगा और फिर उनको जो तबी मौत आएगी उससे कबल तमाम के तमाम ईमान ले आएंगे और क़ियामत के दिन वो इस पर गवाही देंगे तो ईसा आल्लाम को अल्लाह तै ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया ये मुसलमानों का अकीदा है इस ईसीम के बारे में लेकिन ये क्या समझते हैं ये समझते हैं कि उनको नावूज़बिल्ला सूली पर चढ़ा दिया और इसलिए फिर उस इस सलीब को ये क्या समझते हैं मुक़दस समझते हैं जरा इनकी अकल पर मातम किया जाए इनसे पूछा जाए कि जिस पर तुम कहते हो कि उनको सूली चढ़ा दिया गया उसको तुम मुकदस क्यों समझते हो ईसा को जिस चीज पर सजा दे देगी उसको तुम अपने गिरजाघरों के ऊपर लगा देते हो उसकी तकदीस करते हो उसको कभी अपनी शर्ट पर अपनी जेब पर अपने दिल पर लगाते हो कि कैसी मोहब्बत है कि वो आला जो उनके नाउजिल्ला बकोले तुम्हारे नकल कुफर कुफर नवाशत के उस आले पर इनको मौत दे देगी उस आले से तुम मोहब्बत करके अपने सीने पर सजा रहे हो यानी इस बात में भी तुम झूठे हो और फिर जो तुम्हारा अमल है वो अमल भी तुम अगर समझदारी से करो तो उस आले को तो तुम फेंक दो उसके करीब ना जाओ कि जिसके जरिए प्यारे ईसा आसलाम को नाउज़ बिल्ला बकोल तुम्हारे कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया तुम उसकी तस्वीरें बनाकर उसकी तकदीस कर रहे हो कि उसके जरिए हाजात पूरी होती हैं उसके जरिए जरूरियात पूरी होती हैं और फिर इससे जुलम वाला कंसेप्ट इनका देखिए कहते हैं कि ईसा आई सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ईसा अल्लाह के बेटे थे तमाम इंसानों की तरफ़ से कफ़ारे के लिए कि इंसान जो भी गुनाह करेंगे उनका कफ़ारा ईसीम ने अपनी जान दे कर पेश कर दिया ना उजुबिल्ल अब सवाल ये कीजिए इनसे पूछिए कि ईसा आई की पैदाइश से कबल जो लोग दुनिया में मौजूद थे उनसे गुनाह हुए या नहीं हुए अगर उनसे गुनाह हुए हैं तो उसका कफ़ारा किसने दिया क्या ईसा इस्लाम उनकी तरफ से भी कफारा दे चुके हैं या सिर्फ बाद वालों का कफारा दे चुके हैं कहेंगे बाद वालों का तो क्या दलील है बाद वालों का और पहले वालों का क्यों नहीं दिया तो ये जुलम है क्या अल्लाह आलमीन जुलम करता है क्या गॉड अल्लाह ताला खुदा वो म करेगा कि कुछ लोगों के लिए बिल्ला अपने बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली और कुछ लोगों को इसी तरह सजा दे दी जाएगी और फिर ये तुम्हारा कंसर्ट भी म पर मबनी है और इसकी वजह से तुम्हारे अंदर खराबियाँ आ रही हैं कि तुम कत्ल करो तुम चोरी करो तुम शराब नोशी करो तुम बदकारी करो तुम ओ ज्यादा करो यही समझा जाएगा कि ईसा आई सलाम ने जान देकर कफारा दे दिया अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये कैसा अजीब मामला है अगर कोई शख्स जुल्म करता है क्या उसको सजा नहीं दी जाती दुनिया में फिर दालते बंद कर दी जाए और अगर जुर्म उसने किया क्या उसकी जगह पर तुम दूसरे को सजा देते हो क्या तुम्हारी अकल इस बात को मानती है कि एक शख्स कातिल है उसको छोड़ दिया जाए उसकी सजा दूसरे को दे दी जाए एक शख्स ने डाका मारा उसको छोड़ दिया जाए और उसकी सजा दूसरे को दे दी जाए एक शख्स ने किसी का माल लूटा जुल्म किया तो उसको छोड़ दिया जाए उसकी सजा दूसरे को दे दी जाए क्या तुम गार्ड को जालिम समझते हो नावजिल्ला क्या अल्लाह आलमीन ये जुलम करते हैं नाऊज़ु बिल्ला ऐसा नहीं हो सकता कुरान मजीद ने ये ऐलान कर दिया कि कोई किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा जो गलती करेगा उसकी सजा उसी को दी जाएगी दूसरे को उसकी सजा नहीं मिलेगी कुरान मजीद की आयत सुनिए यह प्यारा दिन सच्चा दिन इसकी दावत पेश कीजिए लोगों को उनको बताइए कि हमारे कंसेप्ट कितने सच्चे हैं हमारा दीन कितना सच्चा है हमारा अकीदा कितना सच्चा है कुरान मजीद में अल्लाह अल्लाहबीन ने फरमाया सूरह अन्ञाम, सूरत अन्ञाम, इसकी आयत सिक्सटी फोर है फरमाया कुल फरमायाबन वही वजी तुम वज्रा उखरा तुम मिला रब मर्जी उकम फ़यम बिमाकुम तुम फ़ी ही तख्तलीफोन फर मैं कि क्या अल्लाह के अलावा मैं कोई रब तलाश करूँ ऐसा नहीं हो सकता और वही रब है हर चीज़ का और जो भी जान जो करती है उसका बोझ उसी पर होगा अल्लाह जो बुराई करेगा उसका बोझ उस पर जो अच्छा हमल करेगा उसका स्वबाब उसी को मिलेगा और फिर वाला तज़र व तुम विजरा उखरा कोई जान किसी दूसरे के बोझ को बर्दाश्त नहीं करेगी तुम माला रब्बी कम मर्जियकुम फिर तुम्हारे रब की तरफ ही लौटना है फैनब्बी होकुम बिमा कम तुम फी तख्तलिफ होन और फिर वह रब तुम्हें खबर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते और तुमने ये समझा कि वो कफारा बन गए और अब जो चाहें गनाह करते रहें उन गनाहों की पूछनी होगी पूछा नहीं जाएगा और ये किताब क्योंकि यही मेरे पास थी इसलिए मैंने इससे मैं सही आपको हवाले दिए जीले मुक़दस युहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई आप लोगों ने इसको तकसीम किया इसका पेज नंबर टेन है और इसका बाब नंबर पाँच है उसका जो फ़रा है वो है चार उनतीस उसमें क्या लिखते हैं कि इससे तजब ना करो क्योंकि वो वक़्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे जिन्होंने नेकी की ज़िंदगी की क्यामत के वास्ते जिन्होंने नकी की तो क्या है क्यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क्यामत के वास्ते जिन्होंने कोई बुराई की है तो उनको सज़ा मिलेगी यह आपकी किताब भी कह रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं वो कफ़ारा बन गया और ईसाई सलाम ने जो है वो सब की तरफ से गनाहों का कफ़ारा जान पेश करके तो वो दे दिया और अब कोई पूछने वाला नहीं है तो ये चीज़ अ़ल के भी मुनाफी है क़रन सन्नत के भी मुनाफ़ी है वक्त काफ़ी हो गया तो कुछ चीज़ें और अर्ज़ करनी थी उसके बाद ईसी सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि उनके चूँकि मौजाद थे मुर्दों को ज़िंदा करते थे और जो बीमार हैं उनको शिफा दे देते थे तो इसलिए ये नाउदबिल्ला वो समझते हैं कि ये गुड गाड हैं या वो अल्लाह के बेटे हैं हालांकि कुरान मजीद का मताल करें तो सलाम जब भी इस तरह से कहते थे तो अल्लाह के हुक्म से कहते थे और फिर यही किताब इंजील योहन्ना इसका बाब नंबर पाँच है और फ़िक्र नंबर तीस है उसमें में सलाम का ये क़ौल नकल किया गया है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ जैसा सुनता हूँ ऐसा ही फ़ैसला करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है दुरुस्त है क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से नहीं करता बल्कि मैं किसकी मर्ज़ी से करता हूँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से करता हूँ और ऐसी तस्वीस का जो अकैदा है कि तीन मिल कर एक बेटा बाप और रोहल को ये एक बेहानक अकीदा है और ये बहुत बड़ा जुलम है क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ़ साफ, साफ यह ऐलान किया है कुल अहद कि कह दीजिए वो अल्लाह एक है और ये क्या समझते हैं कि तीन मिलकर अल्लाह बाप बेटा यानी अल्लाह ईसा सलाम और कुदस ये इनका अक़ीदा है जो इन बनाया है अल्लाह उसमत अल्ला बेन्याज़ है लम यलिद वलम यूलद ना उसकी कोई औलाद है और ना उसका कोई वालिद है वलम यकुल्लहू कह वनाहत और उसका कोई हमसर नहीं ये खुदा के बारे में इस्लाम का मुसलमानों का ये अकीदा है कि वही अल्लाह है वो अकेला है वो किसी का मोहताज नहीं किसी को सब को देने वाला है सब उसके फकीर हैं उसके दर के फकीर हैं और वो किसी का मोहताज नहीं और ये लोग समझते हैं कि वो तीन मिलकर और ये ऐसा अकीदा है कि जिसकी समझ ही नहीं आ सकती आप ख़ुद देखें एक प्लस एक प्लस एक ये तो तीन बन जाते हैं एक चीज़ है फिर एक है फिर एक है तो ये तीन बन जाते हैं वो एक रहता ही नहीं तो ये एक इन ने इस तरह की चीज़ बनाई हुई है नाउज़ बिल्लाबालमीन के बारे में तो कुरान मजीद की ये दावत सब के लिए है कि कुल हो अहद अल्लाह तला एक है अकेला है समद अल्लाह न्याज़ है लम यलिद वलम यूलद उसकी ना औलाद है ना उसका वालिद है और उसका कोई हम सर नहीं है और फिर क्रिसमस के इन दिनों में ख़ास करके आपको तोहद की दावत को पेश करना है और इस पार्टी में शरीक होने से बचना क्रिसमस के नाम पे जो पार्टियाँ की जाती हैं दावतें की जाती हैं गिफ्ट दिए जाते हैं मुसलमान इन गिफ्ट्स को वसूल नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या कहते हैं कि इस्लाम की पैदाइश की हम खुशी बना रहे हैं और फिर क्या कहते हैं कि ईसा इस्लाम किसके बेटे हैं अल्लाह के बेटे हैं के बेटे है। तो क्या अल्लाह की कोई औलाद है औलाद नहीं है फिर जब आप इनकी खुशी में शरीक हो जाएंगे तो गोया कि आप भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके अकीदे को मान रहे हैं उनसे गिफ्ट ले रहे हैं उनको गिफ्ट दे रहे हैं उनको कह रहे हैं मैरी क्रिसमस मुबारक हो तुम्हें तुम क्रिसमस बना रहे हो तुम ईसा इस्लाम की वलादत की खुशी बना रहे हो हर साल बनाते हो तुम्हें मुबारक हो और फिर तुम ये समझते हो कि ईसा आल्लाम अल्लाह के बेटे हैं और हम भी तुम्हारे साथ इसमें शरीक हैं बिल्ला मुसलमान इसमें शरीक नहीं हो सकता ये मौका है दावत देने का यह मौका है पैगाम पहुँचाने का जब आपके बच्चों को स्कूल में ऐसी पार्टियों में बुलाया जाता है आप बाईकाट कर दें ना जाए मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर क्रिसमस पार्टी थी मैंने बच्चों को नहीं भेजा क्योंकि बच्चों के जहन में ये चीज़ रहे कि हम मुसलमान हैं हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह का कोई बेटा नहीं है उसकी कोई औलाद नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि ईसा आल इसम अल्लाह के बेटे स्कूल की टीचर्स ने फ़ोन किया वाई यूर किड्स डोंट कम टू स्कूल और डिडेंट कम टू स्कूल स्कूल में क्यों नहीं आए मैंने उनको कहा यू हैव ए क्रिसमस पार्टी टूडे शी सेट यस हाँ क्रिसमस पार्टी तो है फिर मैंने उसको कहा वी आर मुस्लिम्स वई कैन नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस पार्टी वई कैन नॉट जॉइन दिस पार्टी शी सेट वाई क्यों मैंने उसको बताया कि आप ये बिलीव रखते हो यह अकीदा रखते हो कि ईसा जीसस इज द सन ऑफ गॉड दिस इज नॉट ट्रू हम यह अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है अल्लाह की कोई औलाद नहीं है जीसस इज द मैसेंजर ऑफ गॉड मैसेंजर ऑफ अल्लाह तो अगर हम भी आपकी पार्टी में शरीक हो जाएंगे तो फिर हम और आप सेम हो जाएंगे लिहाजा वी कैन नॉट जॉइन दिस पार्टी तो ये पैगाम है ये दावत देना है जो मुसलमान हैं वो दावत दे सकते हैं इस लिहाज से दावत को पेश कर सकते हैं कि हम इस तरह की पार्टीज़ में शिरकत नहीं कर सकते हम तुम्हारा ये गिफ्ट नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते ये वजह है कि तुम ईसीम की तोहिन कर रहे हो तुम अल्लाह के ऊपर तोहमत लगा रहे हो इल्ज़ाम लगा रहे हो और ये इतना बड़ा जुल्म तुम कर रहे हो इस जुल्म में हम शरीक नहीं हो सकते अल्लाह की कोई औलाद नहीं है और हम तुम्हारे साथ इस पैगाम में शरीक नहीं हैं बल्कि हमारा ये कन्सेप्ट है कुल हुआ अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूल कि वह अल्ला अकेला अल्लाह है उसका कोई अला और कोई मबूो वह बेनियाज है उसकी औलाद नहीं है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है ना उसके वालदेन हैं ना उसकी औलाद वो सब को देने वाला है हम सब उसके मोहताज हैं हम सब उसके गुलाम हैं ईसा आलाम अल्लाह के रसूल और पैगम्बर हैं वह अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते और फिर कुरान का तर्जुमा पढ़ने की भी हमें जरूरत है आप देखिए किस तरह से मुसलमानों को उनके सीधे दिन से हटाकर इस तरफ लगाने की कोशिश की जा रही है उनके अंदर शकूक शुभात पैदा किए जा रहे तो हमारे बच्चों को हमारी किताब कुर मजीद का तर्जमा आना चाहिए कि कुरने मजीद में ईसा आई इस्लाम के बारे में क्या कंसेप्ट है ईसा इस्लाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है और हम क्या समझते हैं और फिर इसको पेश किया जाए ताकि जिससे भी कोई बात करने वाला हो वो दलाइल के ज़रिए उनको बता सके कि हम मुसलमान हैं हमारा दीन सच्चा है हमारी किताब सच्ची है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई तुम्हारी किताबें तब्दील हो चुकी हैं उनमें तहरीफ हो चुकी है और तुम्हारे अक़ायद दुरुस्त नहीं हैं तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपके सामने रखे सबसे पहले मैं आखिर में, में रवैया कर देता हूँ कि दाई का किरदार अच्छा हो उसके किरदार से क्रिश्चन को दावत जाती है गैर मुस्लिम को दावत पहुंचती है कि मुसलमान सच्चे होते हैं मुसलमान बैनतदार होते हैं मुसलमान धोखा नहीं देते मुसलमान बहुत अच्छे पर्सनैल्टी के मालिक होते और उसके बाद तोहैद की दावत उनको पेश की जाए ईसा आल्लाम के बारे में जो उनके गलत कंसेप्ट हैं उसको कुरान और उनकी किताब इंजीन से यह सबित किया जाए कि ईसीम अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं और आदमज़ाद हैं आदम की औलाद में से हैं बशर हैं और फिर सलीब के बारे में उनको बताया जाए ये बुनियादी चीज़ें हैं कि सलीब जिस पर तुम ये दावा करते हो कि ईसा सलाम को नाउज़ बिल्ला तो दिया गया उस सलीब के बारे में थोड़ा तो ये कंसेप्ट है फिर तुम उसकी इज़्ज़त क्यों करते हो उसकी तकदीस उसको अपने तुम तुम अपने सीनों पर क्यों सजाते हो और फिर तुम ये समझते हो कि ये कफ़ारा था तो फिर नाउज़ बिल्ला तुम्हारे ये कहने के वजह से जो ईसा सलाम से पहले लोग थे उनका कफ़ारा किसने दिया और अगर यही कफा है तो ये तो म है कि म गना कोई और करे सजा किसी और को दे दी जाए तो ये पॉइंट तीन और इसके बाद चौथा पॉइंट आप उनको तसलीस का जो उनका अकैदा है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि आपका ये अकैदा दुरुस्त नहीं है ये सही नहीं है और फिर उसके बाद जो आखिरी पॉइंट आपने जिक्र किया वह उनको ये कह सकते हैं कि नबी अकरम की बशारत आपकी किताबों में मौजूद है कि वो नबी हैं आखिरी नबी हैं उनको मानना ज़रूरी है और इसी में कामयाबी है तो तुम लोगों को चाहिए कि तुम उस नबी की बात को मान लो जो हमारे पास सही और असल सूरत में मौजूद है कुरान मजीद की सूरत में अल्लाबारमी से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें सही मानो में दीन इस्लाम को समझने की उस पर अमल करने की तोफ़ी में से फ़रमाए बामा तोफ़ी अला बिल्ला तवक् तो सबहान وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك